Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है आयुषी द्विवेदी. Currently I'm a third year MBBS student, but जब मैंने NEET दिया था तब मेरा NEET का स्कोर था 644. Today's video is a long awaited one, I know, but today I will be telling you about how to score good marks in NEET chemistry. Now chemistry के तीन parts हैं, right? Physical, organic और inorganic. राज की बात बताऊँ, सच्ची बता रही हूँ, बहुत आसान है chemistry, बहुत ज़्यादा. अगर आप physical chemistry बहुत अच्छे से solve करें, like आपने previous year questions करे हैं और आपके formulas tips में बहुत chances आके आप सारे questions सही करें. आप चाहते हैं कि आप inorganic और organic में सारे questions सही attempt करें. बहुत आसान है अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से रीड किया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, नाउ फिजिकल केमिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड दोज फॉर्मूलाज. तो जो फॉर्मूला है ना वो आपको बहुत रटे होने चाहिए. दे शुड बी इन योर फिंगर टिप्स. ऑलराइट, जितने भी फॉर्मूला है उन्हें आप किसी पेपर में लिख ले ताकि आप कोई भी फॉर्मूला भूले ना. नीट में बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, है ना. तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो वो आप आसान क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हैं. इसलिए ये अवॉइड करें और जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ताकि वो आपसे हो जाए, फॉर्मूला तो आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए. जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा चांस होंगे कि आप वो सही करें मेन एग्जामिनेशन में. तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जो बेस्ट बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, लाइक आई लव दैट बुक, दैट वाज एन अवस्थी. मैंने वो बुक ना बहुत बार सॉल्व करी है. और यू नो, जब आप एन अवस्थी सॉल्व करेंगे आपको खुद आप रिकोगनाइज करेंगे कि कैसे जो नीट के क्वेश्चंस हैं वो हर साल रिपीट होते हैं. वो आप एक पैटर्न देखेंगे उन क्वेश्चंस के रिपीट होने का, कैसे हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन से थोड़ा सा लाइक लिंक्ड होगा. तो एन अवस्थी आप बार बार करें, ये बहुत ही परफेक्ट बुक है. इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. नीट के पहले क्या होता था, स्टेट वाइज एग्जाम होता था, तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस भी हैं. तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगी. और अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं और आपके पास मॉड्यूल्स होंगी तो अगर आप उन्हीं मॉड्यूल्स को बार बार करें तो भी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग के मॉड्यूल्स आपके लिए काफ़ी होंगी सॉल्व करने के लिए. बट अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो देर इज़ अ बुक विच इज़ एम एस चौहान, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और जो कि नीट में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन हैं नीट के पैटर्न बेस्ड. बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ जो बच्चे लैक करते हैं वो है एनसीईआरटी रीड करना. आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़नी है वो एकदम जैसे आप नीट बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी में एक एक लाइन पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, वैसे ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से रीड करनी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो एनसीईआरटी की लाइंस होती है ना वही पूछ ली जाती है, वही जो नेम रिएक्शंस है वही कॉन्सेप्ट्स है वो एकदम ठीक वैसे ही पूछे जाते हैं मेन एग्जामिनेशन में. और अक्सर लोग सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ते हैं और एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं साइड में, जिस वजह से वो मेन क्वेश्चंस छूट जाते हैं. सो नेवर एवर अवॉइड रीडिंग एनसीईआरटी. आपको एनसीईआरटी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है. करें हम बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी पढ़ना इज़ अ मस्ट. क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना एकदम लाइन बाय लाइन वन लाइनर्स भी आएंगे ना तो वो भी एनसीईआरटी से आएंगे. एकदम उसके जो इतने भी सारे टेबल्स हो गए, जितनी भी सारी लाइंस, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है. तक आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाइक आपके दिमाग में आएगा, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट करेंगे. तो आप जितनी बार पढ़ेंगे वो उतनी बार आपके दिमाग में बैठेगा, उतनी बार आपको याद करने में आसानी होगी. रिविजन भी आसान होता है आप जितनी बार पढ़ें. सो मल्टीपल रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नेवर अवॉइड इट. फिजिकल के लिए हमेशा याद रखेंगे कि क्या पढ़ने एन अवस्थी पढ़नी है, राइट. प्रीवियस इक्वेशंस बार बार करनी है और फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स में होने चाहिए, ठीक है. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, भले ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. देख, मॉड्यूल्स आपके पार्ट हैं हर रोज़ आपकी तैयारी के, बट अगर आप एनसीईआरटी हर रोज़ पढ़ रहे हैं फॉर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लाइन बाय लाइन हर टेबल हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अंडरलाइन कर रहे हैं, उसे रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान है आपके लिए फुल मार्क्स स्कोर करना. क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं एकदम एज इट इज़. तो लास्ट में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि एक बुक है जिसका नाम है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स. जब आपने सारी मॉड्यूल सॉल्व कर लिया और आप एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हो कि अब क्या नया सॉल्व करूँ, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था लाइक लास्ट के 2 मंथ्स में या 1 मंथ रह गए थे, जब मुझे लगा कि मैंने सारे मॉड्यूल्स कर लिए हैं, एन अवस्थी भी मैंने सॉल्व कर ली थी. तो एक बुक है जिसका नाम है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है. मैंने ये सॉल्व करी है,
है. इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट आपको पता ही है एनसीईआरटी बेस्ड होता है. सो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपने सारी मॉड्यूल्स और एनएमएसटी को सॉल्व कर लिया. सो दैट्स इट फॉर द डे एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.